भले ही चालबाज चीन कितनी भी तिकड़मबाजी कर ले, लेकिन उसके कई मोर्चे पर बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ जहां अमेरिका चीन पर कोरोना वायरस के बारे में जानकारी छिपाने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं अफ्रीकी देश उस पर नस्लवादी होने का आरोप लगा रहे हैं। चीन में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तो सख्त उपाय किए गए, लेकिन चीन पर यह आरोप लगा है कि उसने कई अफ्रीकी नागरिकों को उनके होटलों और रिहायशी इलाकों से बाहर कर दिया। जिसके बाद चीन के इस कदम को लेकर अफ्रीकी देशों में काफी हो हल्ला हुआ और अब चीन को इसका जवाब देना भारी पड़ता जा रहा है। एक तरफ चीन अफ्रीकी देशों में घिर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत अफ्रीकी देशों की मदद कर रहा है। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अफ्रीका के 13 देशों को जरूरी दवाइयां और मेडिकल उपकरण भेजने का भारत ने फैसला किया। 17 चीजें जिसमें जरूरी दवाइयां, इंजेक्शन और मेडिकल उपकरण शामिल हैं, इनकी सूची बनाई गई है और इसे इन देशों को भेजा जाएगा। जाहिर है इससे दोनों देशों के बीच के रिश्ते और मजबूत होंगे। साल 2001 में भारत का अफ्रीका के साथ $5.3 अरब का व्यापार था, जो 2018 में बढ़कर $75 अरब हो गया। अब भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत अफ्रीकी देशों को ज्यादातर दवाओं और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करता है। हो सकता है कि कोरोना काल में जिस तरह से चीन ने अपना चरित्र दिखाया है, उससे अफ्रीका में उसके लिए परेशानी बढ़ सकती है। चीन की तरह भारत भी अफ्रीकी देशों में मेडिकल बाजार में फैलाव चाहता है। ऐसे में भारत के पास अपनी स्थिति मजबूत करने का एक अच्छा मौका है। इसके अलावा जब कोरोना महामारी नियंत्रण में आ जाएगी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कई अवसर छोड़कर जाएगी, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इस वक्त चीन में हैं, उनके बीच एग्जिट चीन मंत्र यानी चीन से निकलने की सोच मजबूत होती जा रही है। फिलहाल अगर चीन अफ्रीका में अपनी छवि सुधारने में नाकाम रहा, तो भारत वहां के मेडिकल मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है और साथ ही चीन के कारोबार में भी सेंध लगा सकता है। नाइजीरिया अफ्रीका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका, केनिया और मोजाम्बिक का नंबर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।